अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मिंट मार्गरीटा, और जो बहुत आसान होता है, गर्मियों में बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ये बच्चों को भी दें, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है ड्रिंक। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एक तो कराची में, तो वो गर्मी मारने के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन ड्रिंक है। इसके लिए मैंने एक बाउल के जितने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, और इसमें मैं 3 चमचे चीनी डालने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ली हुई है, और एक इस तरह बड़े साइज़ का मैंने लेमन ले लिया, उसको कट करके मैं स्क्वीज़ कर दूँगी। और उसके बाद हम डालेंगे कोई भी वाइट सोडा। ये देख सकते हैं इस जग में निशान बने हुए हैं, तो हम लोग इधर 4 कप के जितने हम वाइट सोडा डालने लगे हैं। ठीक है, और हम इसमें काफी सारी आइस क्यूब्स भी डाल देंगे। अब हम ये मशीन पे रखेंगे और हम मशीन पे चला देंगे, सारा कुछ मिक्स ब्लेंड हो जाएगा और फिर हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं मेरी मशीन ने बिल्कुल एंड टाइम पे धोखा दे दिया था, सही से बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने हैंड ब्लेंडर के इस्तेमाल से फिर ये रेसिपी कंप्लीट की। मैंने सारा का सारा कन्वर्ट किया जग में और फिर हैंड ब्लेंडर। अच्छा, ये अच्छा हो गया कि आप लोग को भी आइडिया मिल गया कि हम हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं। ये देख लें, बिल्कुल साबुत साबुत सब कुछ रह गया था, क्योंकि मशीन बहुत स्लो चल रही थी। इट्स मीन कि मशीन ख़राब ही हो गई है। खैर, अब ये देख सकते हैं मैंने इसके साथ किया, ये बड़ा अच्छा। वैसे ये है कि ये वाला हैंड ब्लेंडर मुझे बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, हमेशा ही साथ निभाता है बेचारा। एनीवेज, तो ये हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी ड्रिंक रेडी है, और अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कि कितने मज़े की शक्ल है और कितने मज़े का है। और एक और टिप मैं दे दूँ कि बच्चों को अक्सर ये मुंह में आता हुआ बुरा लग रहा होता है पुदीना, तो आप इसको छान लें। छान के ये होगा कि बच्चे शौक से पियेंगे, क्योंकि वीडियो के बाद मैंने भी छान कर ही अपने बच्चों को पिलाया, क्योंकि वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं पी रहे थे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।